हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल। दोस्तों एक आपके लिए फिर एक नया इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ, जो कि आपका है हावड़ा से आसनसोल अग्निवीणा एक्सप्रेस को अब गिरिडीह तक लाने की मांग की जा रही है। और अभी आसनसोल हटिया एक्सप्रेस जो कि सलैया स्टेशन में ठहराव नहीं है, तो इस पर ठहराव की मांग कर लेकर दक्षिण पूर्व रेलवे को JRDUC अरुण जोशी ने दक्षिण पूर्व रेलवे को पूर्व मध्य रेलवे महाप्रबंधक को अलग अलग पत्र लिखा। तो दोस्तों चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आप लोग को मिस ना हो। तो आज मैं पूरी तरीके से आपको बताऊंगा गिरिडीह रेलवे स्टेशन में लगभग 152 सालों में अभी तक के कोलकाता से गिरिडीह ट्रेन के लिए डायरेक्ट ट्रेन कोई भी रेल सेवा नहीं है। यहाँ जनता के व्यापक हित में एक अग्निवीणा एक्सप्रेस जो कि ट्रेन संख्या 12341 और 42 आसनसोल आने के बाद 8 घंटे रुक कर वापस जाती है। अतः इस ट्रेन का विस्तार गिरिडीह करने की मांग की जा रही है, जो कि यहाँ से व्यापारियों और विद्यार्थियों, मरीजों, श्रमिकों और बंगाल के लोगों को आने जाने में काफ़ी आसानी होगी। गिरिडीह से कोलकाता पिछले कोरोना से पहले चलाई जा रही थी, लेकिन लोगों को मधुपुर जाके अपना अपना सफ़र पूरा करना पड़ता था, लेकिन कोविड-19 आने के बाद इस गाड़ी को बंद कर दिया गया, जिससे लोगों को काफ़ी हताश और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो ये अग्निवीणा एक्सप्रेस जो कि आपका 13513 जो कि आसनसोल हटिया एक्सप्रेस के सलैया में भी ठहराव के लिए बात रखा गया है, और अग्निवीणा एक्सप्रेस संख्या जो 12341 और 42 जो आसनसोल में जो आधा 8 घंटे रुकती है, वही गाड़ी आगे बढ़ाकर गिरिडीह लाया जाए और यहाँ से जो 8 घंटे होल्ड हो तो वो आपको 4 घंटे का बैकअप में इस गाड़ी का आवागमन किया जाए। ये अभी भविष्य में वर्तमान में इसका तो बता देते हैं कि अभी कोई पक्की कोई दिनांक निकल कर नहीं आया है। जैसे भी इसका इन्फॉर्मेशन आया था दोस्तों, तो आप लोग को सबसे पहले वीडियो दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।